करा देंगे, है ना। और इनको समझाइए, और ये बाहर आप, क्योंकि घर वाले जो है ना, ओम प्रकाश जी, घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो, और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं और नाम आपका बदनाम होगा। अब चलिए वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए, मानते हैं। लेकिन चूंकि अब हो गया है एक बात, अब बॉडी आ गई हमारे पास, बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ, लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसके विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ, बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हट धर्मता करके नहीं, साहब मैं तो यही करूँगा सर, टाइम यही हो गया। ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देखो बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता, होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बार, बोलो, देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम आए। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप हमारे, कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है,